करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। क्या करने वाले हो बताओ भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। मी यूआई की वीडियोस रहने देता हूँ अब, कुछ नया ट्राई करता हूँ। अरे ऐसा करोगे तो कोई वीडियो नहीं देखेगा तुम्हारी, चैनल डेड एक महीने में। नई गैलरी की अपडेट आई है उसपे वीडियो बनाता हूँ। दूसरे टॉपिक को छोड़ो, मी यूआई बहुत सही है, उसपे ही ठीक है। अबे तेरा जीना मरना मी यूआई के साथ ही है। हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा जोक किया है, प्लीज डोंट माइंड। तो यार कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आपको ये गैलरी एडिटर की ऐप अपडेट जो है मिली है या नहीं आपके सिस्टम अपडेटर ऐप में। तो एक अपडेट नई आई है जिसमें छोटे मोटे नए फीचर आए हैं, किसी किसी के लिए ये काफी बड़े फीचर हो सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपको गैलरी एडिटर की जो एक ऐप की अपडेट है, आपको यहाँ पर आपके अपडेटर सेक्शन में देखने को मिलेगी। मैंने जो है यहाँ पर अपडेट पहले किया था, तो ये जो एडिटर की ऐप की अपडेट होगी ये होगी यहाँ पर मी मीडिया एडिटर 0.9.4.3 ग्लोबल। तो ये इंडिया एंड ग्लोबल के लिए है, तो ये अपडेट जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो है हमारी गैलरी में क्या होता है, जो हमारी गैलरी है अगर आप यहाँ पर ओपन करते हैं गैलरी को, तो यहाँ पर जाते हैं तो आपको वीडियो एडिटर मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई पिक लेते हैं तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पर फिल्टर्स एडिटर एंड ऑल दैट देखने को मिल जाता है। तो यार हर डिवाइस में ये फीचर काम नहीं करता है, शायद आपके डिवाइस में हो शायद ना हो, ये डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं एडिट में जाते हैं तो आपको AI का फीचर मिलता है, जहाँ पर अरेज में आपको मैन्युअली रिमूव लाइंस एंड रिमूव पीपल देखने को मिलता है। तो अभी क्या होने वाला है, आपको एक अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। तो ये जो है वो मीडिया एडिटर है 0.9.4.3 ग्लोबल यानी कि इंडिया। तो ये जो है अपडेट आपको मिलेगी, तो आप इस अपडेट को तभी करिएगा अगर आपको ये सिस्टम अपडेटर ऐप में मिलती है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं APK से आप कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा APK का। पर यार ये 200+ MB की अपडेट है, मैं नहीं चाहता अगर आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है तो आप इसे डाउनलोड कर लें और काम ना करें। तो अगर आपको यहाँ पर अपडेट मिलती है तभी आप अपडेट करिएगा, वरना नहीं तो आप गेट ऐप में भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो है अपडेट नॉर्मली गेट ऐप में आती है। गैलरी में जाते हैं तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वीडियो एडिटर में जाते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ले लेते हैं अभी। तो अभी आप देखेंगे ये वाली पार्टी एक्को एंड ऑल दैट ये जो है वो आ गई हैं। तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, तो यहाँ से एक बार मैं आपको ये वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी है, आप देखेंगे ये कुछ ऐसी वीडियो चलती है, तो ऐसे है। तो इसका अगर हम यहाँ पर जाकर वीडियो एडिटर करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो एडिट करते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक डाल देता है। तो पेट्स एंड ऑल दैट, तो ये जो है वो चेंज कर देता है पिक्चर्स एंड ऑल दैट। तो अगर हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं तो ये जो है वीडियो बना देगा ऐसे। तो अभी आप इसे करेंगे तो अब देखेंगे काफ़ी कलर आ गए हैं और थोड़ी सी पंची हो गई है। तो इस प्रकार से है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप एल्बम में जाते हैं और अब आप जो है शेडोज़ रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब एडिट में जाते हैं, AI में जाते हैं, स्काई में जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी अब जो है नई नई ऑप्शन देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत हैं यार, अनगिनत हैं। और यहाँ पर फिल्टर्स भी जो है बहुत सारे आ गए हैं। अरेज में जाते हैं तो यहाँ पर रिमूव पीपल एंड यहाँ पर जो है वो अब आपको ये वाला मिल जाता है जिससे आप शेडोज़ को रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, डाउनलोड की थी इंटरनेट से, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। पर आप जो है शेडोज़ रिमूव कर सकते हैं। तो पिक्चर्स की अगर आप किसी ने पिक्चर ली है तो आप फूड की जो है वो पिक्चर्स जो शेडोज़ हैं रिमूव कर सकते हैं। और भी यहाँ पर यार बहुत सारे जो है फिल्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे हैं, तो आप देख लीजिए जो भी आपको पसंद है तो आप वो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हैं, तो ऐसे जो है गैलरी में कुछ अपडेट्स आने वाली हैं, तो आप भी इन्हें जो है वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है। तो अगर आपने इसे अपडेट कर लिया है तो आपको पसंद नहीं है तो ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में आइए, शो ऑल ऐप्स कर दीजिए और यहाँ पर जो है वो एडिटर ढूंढ लीजिए। एडिटर ढूंढेंगे तो ये गैलरी एडिटर आ जाएगा, तो इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपको ऑफिशियल एडिटर जो है वो आपकी अपडेटर ऐप में मिल जाएगा जो प्रीवियस वर्जन है। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।